लखनऊ नगर निगम जोन 6 कर्मचारियों अधिकारियों की भ्रष्टाचारी स्वच्छता मिशन के तहत बुद्धेश्वर मंदिर के 100 मीटर दूरी पर पाल मोहल्ले में उड़ाई जा रही धज्जियां। नगर निगम जोन 6 जोनल अधिकारी भ्रष्टाचार देखते हुए मामलों को गंभीरता से नहीं लेते। वहीं आज सरोसा भरोसे की किसानों ने नगर निगम जोन 6 कार्यालय को घेराव करने के इरादे से निकले थे। बड़ी तादाद में किसान मगर जोन 6 जोनल अधिकारी ने मामले को बिगड़ा हुआ देख तुरंत जोन 6 के सक्षम अधिकारी को किसानों को रास्ते में बुद्धेश्वर पुल के नीचे रोका, वार्तालाप कर आश्वासन देते हुए मामले को क्रोधित किसानों को शांत कराया। मगर जोनल अधिकारी सरोसा भरोसा हाउस टैक्स संबंधित अवैध वसूली मनमाने तरीके से लिपिक द्वारा हाउस टैक्स कमर्शियल में बिल बनाना, जबरन अधिक बिल बनाकर दबाव बनाकर जमा करवाना, इस पर जोनल अधिकारी ने गंभीरता से नहीं लिया। वहीं पर सरोसा भरोसा मोहल्ले गाँव में हाउस टैक्स अवैध वसूली को लेकर ग्रामीण नगर निगम में जोन 6 तैनात लिपिक के ऊपर क्रोधित होते हुए लिपिक अमरनाथ वर्मा के ऊपर लगाए हाउस टैक्स अवैध वसूली के गंभीर आरोप। लखनऊ बुद्धेश्वर पाल मोहल्ले में भयंकर बदबूदार गंदगी को सड़कों पर अंबार, नालियां बदबूदार गंदगी से लबालब भरी हुई सड़कों पर बहती हुई गंदगी, सड़कों पर भरा हुआ गंदा बदबूदार पानी चारों तरफ फैला हुआ है। और दूसरी चीज, यहाँ सफाई व्यवस्था तो ध्वस्त है। सफाई व्यवस्था जो आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सफाई व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है, शासन प्रशासन बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है सफाई व्यवस्था के नाम पर, जिसका नाम रखा गया स्वच्छ भारत मिशन अभियान। जो अभियान के तहत यहाँ पर नगर निगम जोन 6 बिल्कुल सफाई व्यवस्था के नाम पर जीरो नजर आ रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ नालियां भरी हुई है, भयंकर गंदगी है, यहाँ के निवासी बहुत परेशान रहते हैं। आप ज्यादा कुछ बताएं, आप क्या कहना है दादा? भैया यहाँ हमारा रमेश चंद्र वर्मा, हाँ हम यहाँ पर 30-35 साल से रह रहे हैं, हाउस टैक्स भी देते हैं, बिजली का भी टैक्स देते हैं, सब कुछ देने के बावजूद भी, और जब से ये सब 4-6 साल से बराबर नालियां टूट गई हैं, पानी भरा रहता है, कोई भी नहीं है, वो स्वीपर वगैरह तो कभी आते ही नहीं है, आते नहीं है। और जब वहाँ कहते हैं जा करके तो कभी कहते नहीं हमारी ड्यूटी नहीं है इधर। कौन सफाई सुपरवाइजर कौन नहीं आता? अब उसका नाम तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो ये कहते ये कौन से नगर निगम जोन 6 में किसमें आता है? जोन 6 में आप भी यही रहते हैं? हैदरगंज। तो ये गंदगी साफ होती है? कभी आते हैं सफाई कर्मी? नहीं आते, कभी नहीं साफ होती, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ की माँ बहने हैं, ये जानकारी प्राप्त करूंगा, जो गंदगी में रह रही है, गंदगी में रहने पर मजबूर है। कहीं आपका क्या नाम है? सुनीता वर्मा जी, आप एक बार बताइए, गंदगी का आपके सामने गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अरे कोई आता है जाता है, रिश्तेदार अच्छा नहीं लगता, यहाँ बैठना बदबू बीमारियाँ अलग फैल रही हैं सब इससे। कभी कोई सफाई कभी नहीं आते हैं? कोई नहीं आता है यहाँ, कोई नहीं आता। कभी आप इसके बहुत बार कहा गया है, शिकायत की गई है, शिकायत की गई है, आप लोगों ने शिकायत की। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो निवासी है, सामने गंदगी के घर बना हुआ, बदबू आती है बुरी तरीके से, और कई बार शिकायत की फिर भी इनके समस्या का समाधान नहीं हुआ। लखनऊ राजधानी संवाददाता देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।